यहाँ पर हम सेल्फ फाइनेंस मोड में ढकेल दिए जाते हैं। सरकारी स्कूल से आए हुए छात्र बहुसंख्यक छात्रों को रेगुलर कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाता है, उनको एंट्री तक नहीं मिलती है। जिनको एंट्री मिल जाती है उनको क्लास में जगह नहीं मिलती है, जिनको क्लास में जगह मिल जाती है उनको सुनाई नहीं पड़ता पढ़ाया क्या जा रहा है। आप लोग जिन्हें सुनाई भी पड़ जाता है, हाथ में मटेरियल नहीं, टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या पता। टीचर सारे लेक्चर बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं, कोई परमानेंट यहाँ पर 20-30 टीचर नहीं है 5-6 लाख स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मजाक ऐसे यहाँ पर समाज के जो सबसे मेहनतकश युवा हैं उनके साथ किया जा रहा है। ये शैक्षिक नस्ल भेद जानबूझकर जारी किया जा रहा है। यही शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नस्ल भेद हमारे देश में, हमारे समाज में खुले तौर पर जारी है। ये 0 नंबर देकर फेल करते हैं, एब्सेंट मार्क करके फेल करते हैं और कहते हैं अपनी अटेंडेंस शीट खुद ढूंढ कर लाओ जिस सेंटर पर तुम एग्जाम देने गए थे वहाँ से। इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्होंने अगर आंसर शीट आपकी खो दी है तो ये खुद ढूंढ कर आपको आपके साथ जस्टिस करें। नहीं, यहाँ पर फेल करने का पूरा मसौदा तैयार दिखाई पड़ रहा है हमें, बिसात बिछी हुई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को फेल किया जाएगा, फिर उनसे रिवैल्यूएशन फीस ली जाएगी, फिर उनसे एग्जामिनेशन फीस ली जाएगी, इनकी दुकान चलती रहेगी। स्टूडेंट्स को ये जो एसएल में ढकेला जा रहा है उनको रेगुलर की सीट, उनको सरकारी शिक्षा मिल सके, तभी तो ये स्टूडेंट्स भी सपना देख पाएंगे ना कि जिस पुश्तैनी गरीबी, पुश्तैनी जातिवाद, पुश्तैनी मार्जिनलाइजेशन का हम शिकार हैं उससे हम आगे बढ़कर हम भी समाज में एक बराबरी का अधिकार हासिल करके बेहतर जीवन का सपना देख पाएं। पर ये समाज नहीं चाहता, ये एसएल डायरेक्टर, एसएल प्रिंसिपल, ये प्रशासन नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी दुकान, इनकी लूट केवल हमारे शोषण पर जारी है। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सोल बिल्डिंग नॉर्थ कैंपस के सामने और यहां पे आप देख सकते हैं कि छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें ये सब सोल के छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्हीं से जानेंगे, इनकी मांगे पूछेंगे। यहां पे आप पहले बोर्ड देख सकते हैं कि दाल में कुछ काला है, सोल में घोटाला ही घोटाला है। सोल में कुछ घोटाला हो रहा है, उसी को लेकर ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे मैम क्या मांगे हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं आप। आज हम यहाँ पर मजबूर हुए हैं, संडे को स्टूडेंट्स ने एक बड़ी रैली निकाली थी अपने स्टडी सेंटर आर्ट्स फैकल्टी से लेकर यहाँ तक अपनी डिमांड्स रेज करते हुए। उन डिमांड्स को कतई सुना नहीं गया है अभी तक, इसलिए हम फिर से मजबूर हुए हैं आज यहाँ पर अपना मेमोरेंडम देने के लिए। बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं हमारी। स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स का फर्स्ट राइट है कि एडमिशन के 14 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, UGC की गाइडलाइन कहती है। उसके बावजूद हर सेमेस्टर वो स्टडी मटेरियल हमें एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक भी मुहैया नहीं कराया जाता है। आप एक बात बताइए, 7-7 सब्जेक्ट्स हैं एक सेमेस्टर में, 8 क्लासेस भी नहीं मिल रही हैं, 8 क्लासेस देखे सिलेबस ख़त्म कर दिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाने की स्थिति में आ गए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लासेस ख़त्म भी कर दी गई हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस नहीं शुरू हुआ अभी तक सेकेंड ईयर में। आप समझ रहे हैं, हमारी डिमांड्स हैं हर सेंटर पर, स्टडी सेंटर पर, जहाँ पर स्टूडेंट्स के घर के पास जो स्टडी सेंटर पड़ता है, जहाँ वो क्लास लेने जाते हैं, वहाँ पर उनको पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए 7ों पेपर का जल्द से जल्द। जहाँ पे सेंटर पड़ता है वहाँ पे आपको बुक्स वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कह रहे हैं अपॉइंटमेंट लो तब स्टडी मटेरियल लेने आओ, और अपॉइंटमेंट के नाम पर यहाँ पर पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को, अपॉइंटमेंट मिल रहा है, अपॉइंटमेंट स्लिप लेके जा रहे हैं तो किताबें नहीं मिल रही हैं, मिल भी रही हैं तो 7ों पेपर की नहीं मिल रही हैं, 4-5 किताबें देके, 2-3 किताबें देके कह दिया जा रहा है बाकी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ लो। और ऑनलाइन पर भी इन्होंने मटेरियल हटा दिया है, क्योंकि मटेरियल का हम हर साल रिव्यू करते हैं, हमने पिछले सेमेस्टर रिव्यू किया, इन्हें दिखाया कि कितना घटिया स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में गलतियाँ नहीं है, गलतियों में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल है, यूनिवर्सिटी से इनको फटकार पड़ी, तो उन्होंने ऑनलाइन से भी मटेरियल हटा दिया। अब एक बात बताइए, ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स कैसे पढ़ें। यहाँ पर फेल करने का पूरा मसौदा तैयार दिखाई पड़ रहा है हमें, बिसात बिछी हुई है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को फेल किया जाएगा, फिर उनसे रिवैल्यूएशन फीस ली जाएगी, फिर उनसे एग्जामिनेशन फीस ली जाएगी, इनकी दुकान चलती रहेगी। स्टूडेंट्स का फ्यूचर ER आ जाती है तो उसमें भी आप लोगों से वापस फीस ली जाती है? जी, रिवैल्यूएशन फीस लेते हैं सबसे पहले तो 1000 रुपये पर पेपर, उसके अलावा उसके बाद ये 0 नंबर देकर फेल करते हैं, एब्सेंट मार्क करके फेल करते हैं और कहते हैं अपनी अटेंडेंस शीट खुद ढूंढ कर लाओ जिस सेंटर पर तुम एग्जाम देने गए थे वहाँ से। इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्होंने अगर आंसर शीट आपकी खो दी है तो ये खुद ढूंढ कर आपको आपके साथ जस्टिस करें। नहीं, ठीक है, तो आप एक बात बताइए, और हमारी डिमांड है हर स्टडी सेंटर पर जो लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं उन लाइब्रेरी का एक्सेस दिया जाए एसएल के स्टूडेंट्स को। हम एसएल स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी तक यूज़ नहीं करने दी जाती है? नहीं, हमारे लिए लाइब्रेरी नहीं है, KYS के स्ट्रगल के कारण आज लाइब्रेरी एसएल में जितनी भी 2-3 लाइब्रेरियाँ बनी हैं वो बनी हैं, लेकिन जहाँ स्टूडेंट्स 5-6 लाख हैं, लाइब्रेरी ऐसी है कि लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें नहीं है तो उस लाइब्रेरी का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स के पास आईडी कार्ड तो बड़ी मुश्किल में बन पाता है, लाइब्रेरी कार्ड तो आपको रेयर किसी के पास दिखाई पड़ेगा, होगा भी तो वही कहते हैं ना, मतलब जब कॉलेज जाओ तो आईडी कार्ड दिखाए बिना एंट्री नहीं होगी, तो जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है वो क्लास कैसे ले पाते हैं फिर? देखिए, आईडी कार्ड भी अगर आपके पास है तब भी क्लास नहीं मिलती है, क्योंकि क्लास आप गेट पर ही पूछा जाता है कि आपके फ़ोन में मैसेज आया है क्या। मैसेज सबको जानबूझकर नहीं भेजा जाता है कि सबको मैसेज भेजेंगे, सब क्लास लेने आ जाएंगे, तो
मान लीजिए 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने, मान क्या लीजिए, इस साल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है HSOL में, और हर साल भारी संख्या में एडमिशन लेते हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने अगर एडमिशन लिया है तो ये क्लास महज 40-50 हज़ार की भी नहीं लगाते हैं। तो जब स्टूडेंट्स क्लास लेने आ जाते हैं, मैसेज तक उनको आया नहीं है, उनको एंट्री तक नहीं मिलती है, जिनको एंट्री मिल जाती है उनको क्लास में जगह नहीं मिलती है, जिनको क्लास में जगह मिल जाती है उनको सुनाई नहीं पड़ता पढ़ाया क्या जा रहा है, जिन्हें सुनाई भी पड़ जाता है हाथ में मटीरियल नहीं, टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या पता, टीचर सारे लेक्चर बेसिस पर अपॉइंट किए जाते हैं, कोई परमानेंट यहाँ पर 20-30 टीचर नहीं है 5-6 लाख स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मजाक ऐसे यहाँ पर समाज के जो सबसे मेहनत कश युवा हैं उनके साथ किया जा रहा है, ये शैक्षिक नस्ल भेद जानबूझकर जारी किया जा रहा है ताकि मेहनत कश युवा पढ़ ना पाए, बेहतर रोजगार ना हासिल कर पाए, बेहतर जिंदगी ना बना पाए। और क्लास में कितने बच्चे होते हैं, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? हर कोर्स में बीए प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, हर अलग अलग कोर्सेज में हज़ारों हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर में लगभग 1.5 लाख दाखिले हुए हैं। आप 1.5 लाख दाखिले अंदाज़ा लगा सकते हैं, HSOL में बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं हैं, और HSOL ने हाल ही में कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिनकी फ़ीस और बढ़ाई है, और जो पहले से एग्जिस्टिंग कोर्सेज थे उनकी फ़ीस पिछले साल 2 गुना बढ़ाई, इस साल फिर से बढ़ाई, बड़ी हुई फीस दे रहे हैं, उसके बावजूद ना मटीरियल है हाथ में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है? कैसे फ़ायदा हुआ है, न्यू एजुकेशन की पॉलिसी से हम पहले से हम यहाँ सेल्फ फाइनेंस मोड में पढ़ रहे हैं। बहुत सारी नीतियाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा को और ज़्यादा प्राइवेटाइज कर दिया है, और ज़्यादा शिक्षा पर, पब्लिक फंडेड एजुकेशन पर, सरकारी शिक्षा पर जो खर्चा होना चाहिए सरकार का वो और कम कर दिया है। लेकिन हम किस बात का रोना रोएं, हम तो पहले से ही प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। HSOL सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है, 1 रुपये इसको गवर्नमेंट से फंडिंग का नहीं मिलता है, रेगुलर कॉलेज को बहुत पैसा मिलता है, स्टूडेंट्स जितनी फीस दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा उन पर खर्च किया जाता है पूरे ग्रेजुएशन में, हम जितना फीस दे रहे हैं उसका 10% हिस्सा पर खर्च नहीं किया जा रहा है, और यहाँ हमारे पैसे से केवल जो है, आप लोगों की तो फीस भी कम होती है ना रेगुलर के मुकाबले, तो उतना ही मिलेगा जितनी फीस होगी, यही मिथ है, ये मिथ है। रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट अगर 20-25-30 हज़ार रुपये भी फीस दे रहे हैं एक साल की, तो उन पर पूरे ग्रेजुएशन में 4-5 लाख रुपये खर्च होता है, आप समझ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम से फंड मिलता है, यहाँ पर हम सेल्फ फाइनेंस मोड में ढकेल दिए जाते हैं। सरकारी स्कूल से आए हुए छात्र, बहुसंख्यक छात्रों को रेगुलर कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाता है, यही शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नस्ल भेद हमारे देश में, हमारे समाज में खुले तौर पर जारी है कि सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को 12वीं के बाद सरकारी उच्च शिक्षा में एडमिशन नहीं मिलता है, सेल्फ फाइनेंस मोड में प्राइवेट में ढकेल दिया जाता है, जहां पर हम फीस दे रहे हैं रेगुलर से ज़्यादा, अगर हम 9,000 भी फीस दे रहे हैं हम रेगुलर से ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि हम अपनी फीस के बल पर पढ़ रहे हैं, और उस 9,000 का भी 1,000 रुपये हम पर खर्च नहीं हो रहा है। आप बताइए, तरीके से हर सेमेस्टर में आप लोगों को बार बार सेंटर चेंज हो जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है ढूंढने में? जानबूझ कर किया जा रहा है, दिक्कत क्यों नहीं होती है, स्टूडेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराया खर्च करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर भागें, 5 बार 6 बार किताब लेने ही जाते रहें, कई स्टूडेंट्स मजबूर हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आलम देखने के बाद कि वो कोई ना कोई जॉब ढूंढ लें, क्योंकि अपनी फीस तक जुगाड़ कर पाने के लिए कई स्टूडेंट्स को नौकरी करनी पड़ती है, पैसे जमा करने पड़ते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जो NCVAB और SOL के स्टूडेंट हैं वो इस वजह से लेते हैं क्योंकि उनको जॉब ही करनी होती है। आप एक बात बताइए, ये सरकारी स्कूल से आने वाले जो छात्र HSOL NCVAB में एडमिशन लेते हैं, इनके अगर 100% मार्क्स भी होते और वो रेगुलर में दाखिला लेना चाहते हैं तो क्या मिल जाता? नहीं मिलता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेजेस में सीटें नहीं बढ़ाती, नए कॉलेज नहीं खोलती। KYS इस डिमांड को लेकर पिछले साल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठा था, मई जून के महीने में, इन्हीं डिमांड्स को लेकर कि जब तक आप नए कॉलेज नहीं खोल रहे हैं हर कॉलेज में आप इवनिंग बैचेस शुरू कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये जो HSOL में ढकेला जा रहा है उनको रेगुलर की सीट, उनको सरकारी शिक्षा मिल सके, उनको बराबर क्लासेस मिल सके, बराबर लाइब्रेरी मिले, बराबर स्टडी मटेरियल मिले, तभी तो ये स्टूडेंट्स भी सपना देख पाएंगे ना कि जिस पुश्तैनी गरीबी, पुश्तैनी जातिवाद, पुश्तैनी मार्जिनलाइजेशन का हम शिकार हैं, उससे हम आगे बढ़कर हम भी समाज में एक बराबरी का अधिकार हासिल करके बेहतर जीवन का सपना देख पाएं। पर ये समाज नहीं चाहता, ये HSOL डायरेक्टर, HSOL प्रिंसिपल, ये प्रशासन नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी दुकान, इनकी लूट केवल हमारे शोषण पर जारी है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है, इतिहास गवाह है, समाज का ये बहुसंख्यक युवा लड़कर एकजुट होकर जब इन शिक्षण संस्थानों को बनाना, इनकी नींव रखना, इनमें ईंटें डालना, ठीक है, इनको चलाना जानता है अपने पैसे से, तो यहाँ पर लड़कर अपने अधिकार हासिल करना भी जानता है। आज अगर हमारी डिमांड्स नहीं सुनी जाती हैं, हम और बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर हम शिक्षा मंत्रालय तक भी जाएंगे, और हम अपने अधिकारों के लिए तब तक स्ट्रगल करेंगे जब तक HSOL और रेगुलर की ये जो गैर बराबरी की खाई बनाई हुई है इन्होंने, ये दूर नहीं हो जाती, हमें रेगुलर के बराबर राइट्स नहीं मिल जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ SOL के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन लोगों को किताबें तक नहीं दी जाती हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक है, सिलेबस भी नहीं हो जाता है, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है, हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लास होती है संडे को, उसमें भी 7 सब्जेक्ट और सिर्फ 3 सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाती हैं, और कम से कम लाखों छात्र हैं, तो एक क्लास में कम से कम 200-300 बच्चे होते हैं, तो कैसे एडजस्ट करेंगे ये लोग? और हर सेमेस्टर जो है इन लोगों का सेंटर चेंज हो जाता है, तो उसमें भी बहुत तकलीफें आती हैं इन लोगों को, तो उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इनकी बात से कितना सहमत है, प्रदर्शन करना कहाँ तक ठीक है, हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहे
जनित आवाज़।